छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने शुक्रवार को भाजपा के खिलाफ 212 बिंदुओं में आरोप पत्र जारी कर दिया। इसे कांग्रेस ने भाजपा का काला चिट्ठा नाम दिया है। इसमें केंद्र की मोदी सरकार के साथ ही प्रदेश के पूर्व में रही रमन सरकार पर भी कांग्रेस ने निशाना साधा है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा ने कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता में कांग्रेस को लेकर 5 साल बाद भी उत्साह दिख रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में कांग्रेस के नेताओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि हम भाजपा का काला चिट्ठा जारी कर रहे हैं। रायपुर स्थित कांग्रेस कार्यालय में राजीव भवन में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी की ओर से जारी किए गए इस काले चिट्ठे में केंद्र की मोदी सरकार पर कुशासन का आरोप लगाया है। यूपीए में हमारी सरकार ने छत्तीसगढ़ में समय को देखते हुए, मांग को देखते हुए, जरूरत को देखते हुए 3 रेल कॉरिडोर बनाने का फैसला लिया। क्या ये सरकार हमें बताएगी कि ये काम अभी तक क्यों पूरा नहीं हुआ? उनको बताना पड़ेगा, 9 साल इनके निकल गए। तो छत्तीसगढ़ के लोगों के साथ ऐसा भेदभाव क्यों हो रहा है? छत्तीसगढ़ में केंद्र की मोदी सरकार अपने मुनाफे और पूंजीपति मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए यात्री ट्रेनों के बजाय कोयले परिवहन को प्राथमिकता देते हुए लगातार बिना किसी पूर्व सूचना और वैकल्पिक व्यवस्था के ट्रेनों को लगातार रद्द करती जा रही है। भाजपा के 9 लोकसभा सांसद हैं, क्यों नहीं आवाज उठाते? जब वो आए तो आप पूछिए कि छत्तीसगढ़ की ट्रेनें क्यों रोकी जा रही हैं? ठीक है, एक समय में जरूरत थी कोयला पहुंचाने की, तो उस समय आपने किया, लेकिन जो हमारा आम परिवहन की जरूरत है, यात्रियों की जरूरत है, आप कब तक उसको नजरअंदाज करेंगे? कब तक छत्तीसगढ़ के लोगों के साथ ऐसा भेदभाव चलेगा? साथियों, 24 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं और 22 तो अभी कुछ दिन पहले ट्रेनें रद्द की हैं। और साथियों, 3 साल में ट्रेनों के 64,000 फेरे रद्द हुए हैं छत्तीसगढ़ में। ये हिसाब भी नोट करना है आप लोगों ने भी, और माध्यम से छत्तीसगढ़ के लोगों ने 64,000 फेरे ट्रेनों के रद्द हुए। जवाब क्या है? जवाब दें। और जब ये लोग आपके बीच में आए, इनके नेता आपके बीच में आए, आप इनसे पूछिएगा ये सवाल कि हमारे साथ भेदभाव क्यों? अब आप आते हैं, रोज आते हैं, कांग्रेस को कोसते हैं, रोज छापे डालते हैं, हमारे बारे में क्या कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता के साथ आपको क्या नाराजगी है? आप इतना भेदभाव क्यों कर रहे हैं? ये सवाल आप जरूर पूछिएगा। ये मोदी सरकार नहीं है, ये जुमलों की सरकार। कल्पनाओं में और बयानों में खुद को सबसे ईमानदार बताते हैं, मैं खाऊंगा, मैं खाने दूंगा, ये सच्चाई है। आज लोग खाना भी नहीं खा पा रहे, खाना ही इतना महंगा कर दिया। इसके साथ साथ साथियों, आप इनसे पूछें, ये जो घोटाले हो रहे हैं, सबसे बड़ा जो ये अडानी घोटाला है, इस पर क्यों चुप? जब हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी ने सवाल पूछे, हमारे अध्यक्ष खाड़गे जी ने सवाल पूछे, तो मौन व्रत क्यों धारण हो गया? जवाब क्यों नहीं दिया? संसद में सारा देश देख रहा था, सिवाय ऑपोजिशन को कोसने के, कि आपने अडानी प्रकरण पर कोई जवाब दिया? अपनी नजदीकियों के बारे में कोई खुलासा किया? उस पर तो मौन हो जाता है, पर्दा डल जाता है। कोसने पर अच्छे अच्छे शब्द इस्तेमाल होते हैं। विपक्षी दलों के सरकारों के खिलाफ ईडी, आईटी, सीबीआई की जांच करवाते हैं, धमकियां दी जाती हैं, गलत कार्रवाइयां करवाई जाती हैं। केंद्र के खिलाफ, अमित शाह जी के गृह मंत्रालय के खिलाफ 1,25,000 शिकायतें लंबित हैं। साथियों, इनकी जांच क्यों नहीं करवाई जाती? सारी कार्रवाई गैर भाजपा शासित राज्यों के खिलाफ ऐसा क्यों हो रहा? माननीय प्रधानमंत्री जी जवाब दें, जिन नेताओं के खिलाफ भाजपा भ्रष्टाचार के आरोप लगाती है, जब वे भाजपा प्रवेश कर लेते हैं तो उनके खिलाफ जांच एजेंसियां एकदम चुप क्यों हो जाती? ये सारी बातें खत्म क्यों हो जाती? उसका जवाब तो जनता मांगेगी, आप लोग भी मांगे, आप खुद जानते हैं। और प्राइवेट में सब हंसते भी कि चुनाव आ गया तो जनता याद आ गई, चुनाव आ गया तो महंगाई याद आ गई, चुनाव आ गया तो गैस सिलेंडर याद आ गए। कहां कांग्रेस के समय में, यूपीए के समय में 450-450 रुपए का सिलेंडर था। ये भारतीय जनता पार्टी के समय में 1200 तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा? और आज अगर ये सोचते हैं
कि 200 रुपए की कटौती करके चुनाव को मद्देनजर रखते हुए ये जनता को बरगला देंगे तो ये असलियत से बहुत दूर है। जनता जान चुकी है, पहचान चुकी है इनके असली चेहरे। 3 गुना किया 400 से 1200, 200 कम करके ये घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं कि देखो महंगाई। याद रखिए आप सभी, आपके पास सबके पास फुटेज होगा कैसे ढोल पीटे जाते थे, कैसे कपड़े उतार कर नाचते थे, कैसे सिलेंडर सिर पर उठा कर नाचते थे। और आज क्या चाहते हैं कि 200 रुपए कम करेंगे तो लोग नाचेंगे? लोग इन्हें असलियत समय के इंतजार में है। छत्तीसगढ़ के लोग इन्हें बताएंगे। डीजल पेट्रोल राशन सामग्री सभी के दाम बेतहाशा बढ़ते चले जा रहे हैं। आम नागरिक के घर का बजट बढ़ चुका है, क्या किसी की तनख्वाह उतनी बढ़ सकती है जिस कदर महंगाई बढ़ती है? सबसे बड़ी बात यह कि छत्तीसगढ़ केंद्र की सरकार ने पूरे देश की संपत्तियों को बेचने के अलावा छत्तीसगढ़ की खनिज संपदा को बेचने का लगातार काम कर रही है। हम लगातार जिस तरह से केंद्र के नेताओं का छत्तीसगढ़ दौरा हो रहा है, आना हो रहा है चुनाव सत्ता पाने के लिए, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ क्या नंदराज पहाड़ जो ये दंतेवाड़ा जिले के बैलाडीला पहाड़ में एक लो अयस्क क्षेत्र है, उनको पिछले रमन सिंह की सरकार में अडानी को देने के लिए उन्होंने ली, अडानी को लीज उन्होंने दिया। वहाँ के हजारों आदिवासियों ने लगभग 8 से 10 दिन आंदोलन किए, मैं स्वयं गया था उस आंदोलन में, उनसे चर्चाएं किए और 3 बिंदुओं पे उन्होंने जांच के लिए राज्य सरकार से मांगा। राज्य सरकार ने जांच 3 बिंदुओं पे किए और जिस ग्राम सभा जिस तरह से उन्होंने अलर्ट किया था वो नियम विरुद्ध था और राज्य सरकार ने उनको शून्य घोषित किया। लेकिन आज तक लीज निरस्त क्यों नहीं हुआ, उसको क्यों आज तक अडानी को ही अडानी के नाम से ही लीज आज तक है, ये हम भारतीय जनता पार्टी से हम पूछते हैं। दूसरा, नगरनार संयंत्र को निजीकरण के लिए अडानी को देने के लिए लगभग पूरी खाका इन्होंने तैयार कर दी है, जो बस्तर के वहाँ के आदिवासी वहाँ के युवाओं को वहाँ के बस्तर के लोगों का सपना था उसको बेचने का काम कर रही है। क्या केंद्र से आने वाले प्रधानमंत्री अमित शाह जी क्या इस पे जवाब देंगे? इस तरह से छत्तीसगढ़ के कोयले खदानों को भी अडानी को उन्होंने बेच दिया है और बाकी SECL को भी उन्होंने बेचने का प्लान किया है। 15 सालों तक छत्तीसगढ़ का शोषण करने वाली रमन सरकार ने राज्य में बड़े बड़े 34 घोटाले, यही इन घोटालों को मैं प्रमुख रूप से आप लोग समक्ष रख रहा हूँ। 36,000 करोड़ का नान घोटाला, नंबर 1, नंबर 2 पनामा पेपर घोटाला, नंबर 3 मोआ धान घोटाला, नंबर 4 कुनकुरी चावल घोटाला, नंबर 5 आंख फोड़वा कांड, नकली दवाओं से लोगों की आंखों की रोशनी चली गई, नंबर 6 गर्भाशय कांड, स्मार्ट कार्ड के लिए महिलाओं के गर्भाशय निकाले गए, स्वास्थ्य मंत्री तत्कालीन उस समय अजय चंद्राकर जी थे, नसबंदी कांड में महिलाओं पर नकली दवाओं का प्रयोग किया गया, DKS घोटाला, एक प्रमुख नेता भारतीय जनता पार्टी के उनके भतीजे के द्वारा धान परिवहन का घोटाला, शासकीय भूमि पर कब्जा, पोराबाई कांड, तत्कालीन शिक्षा मंत्री हमारे केदार कश्यप जी का पत्नी का फर्जी परीक्षा प्रकरण, फर्नीचर घोटाला, विज्ञापन उपकरण खरीदी घोटाला, 4400 करोड़ का आबकारी घोटाला, 1667 करोड़ गौशाला के नाम पर चारा दवाई एवं निर्माण में किया गया घोटाला, बीज निगम में दवाई बीज एवं कृषि यंत्रों की खरीदी में किया गया घोटाला, स्टेट वेयर हाउस के गोदामों के निर्माण में घोटाला, स्वास्थ्य विभाग में मल्टी विटामिन सिरप में घोटाला, जमीन घोटाला, जल की घोटाला, परिवहन चेक पोस्ट घोटाला, मोबाइल खरीदी में घोटाला, बारदाना घोटाला, भदौरा जमीन घोटाला, पुष्प स्टील घोटाला, चौबे कॉलोनी जमीन घोटाला, इंदिरा प्रियदर्शनी बैंक घोटाला, इसका इवॉक घोटाला, एक्सप्रेसवे घोटाला, बिलासपुर सकरी बाईपास घोटाला, तेंदुपत्ता खरीदी घोटाला, चिटफंड घोटाला, रतन जोत घोटाला, इस तरह से लगभग बड़े और छोटे मिलाकर देखेंगे 15 साल में 34 से अधिक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रमन सिंह की सरकार ने घोटाले किए हैं और ये हम पे घोटाले करने का आरोप लगा रहे हैं। लगातार केंद्र सरकार के नेताओं का यहाँ पे प्रवास हो रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ क्या इन घोटालों के भी ED और CBI से जांच कराएंगे क्या? मैं उन तमाम जो दिल्ली से आए नेताओं को हम लोग इस प्रेस के माध्यम से हम उनसे पूछना चाह रहे हैं।